Assalamualaikum guys, hi hello namaste. So guys, today's first class is management. What is management? Types of management, significance of management, objectives of management. और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और है क्या देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग आज इसके अंदर ही सीखेंगे मैनेजमेंट किसे कहा जाता है मतलब मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट के बारे में कैसे आप लोगों को जानकारी होगा और मैनेजमेंट के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं सो गाइस देखिए व्हाट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है देखिए Management is the process of planning and organizing the resource and activities. मतलब management यही है कि management के जरिए एक process के अंदर और एक planning के अंदर एक planning के जरिए और processing के जरिए एक organization को चलाया जाता है मतलब एक organization को activities की किया जाता है So देखिए how many characters of management? मैनेजमेंट की कैरेक्टर कितना है देखिए सम ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट जैसे मल्टी डिमेंशनल मैनेजमेंट देखिए मैनेजमेंट कितना टाइप्स के होते हैं और मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखिए सम ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे मल्टी डिमेंशनल मैनेजमेंट क्या होता है मल्टी डिमेंशनल मैनेजमेंट क्या होता है देखिए मोस्ट मैनेजमेंट ओवरसीज एंड सुपरवाइज कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मतलब मैनेजमेंट जो मल्टी डिमेंशनल मैनेजमेंट यही होता है कि मोस्ट मैनेजमेंट ओवरसीज एंड सुपरवाइज ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मतलब एक कंपनी को किस तरीके से चलाया जाता है मतलब एक कंपनी को कैसे सुपरवाइज किया जाता है और एक कंपनी की प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाता है किस तरीके से मल्टी डिमेंशनल कर सकते हैं सो ये देखिए मल्टी डिमेंशनल ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट का मल्टी डिमेंशनल ऑब्जेक्टिव ये है मतलब बहुत सारे चीज इसके अंदर आते हैं जैसे क्या होता है मैनेजमेंट की ओवरसीज सुपरवाइज कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मतलब इधर बहुत सारे कंपनी एक कंपनी में जितना काम होता है ये डिमेंशनल मल्टी डिमेंशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है और एक है डायनेमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन एंड इवॉल्व्स एंड अडॉप्ट्स टू चेंज इन इट्स एनवायरमेंट तो देखिए डायनेमिक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि डायनेमिक में क्या करता है एक मैनेजमेंट प्रोसेस को मतलब एक मैनेजमेंट प्रोसेस या कंपनी की जो एनवायरमेंट है मतलब एक गुनागुन मतलब एक एनवायरमेंट को चेंज किया जाता है चेंज कर देते हैं जैसे टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली सोशियोलॉजी पॉलिटिकली ये सारे दिशाओं में क्या होता है डायनेमिक ऑब्जेक्टिव्स में काम करता है जैसे ये सब को चेंज किया चेंज करके देता है और देखिए और है इंटेंजिबल ऑब्जेक्टिव्स मतलब इन व्हाट इज इंटेंजिबल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट इज अ इज नॉट अ टेंजिबल प्रोडक्ट बट इट्स प्रेजेंस कैन चेंज द वे ऑन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन मतलब इंटेंजिबल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट की इंटेंजिबल ऑब्जेक्टिव्स यही है कि कभी कभी प्रोडक्ट या प्रोसेस या कुछ वे या रास्ते को चेंज किया जाता है इंटेंजिबल जो ऑब्जेक्टिव से मैनेजमेंट का इधर रास्ते प्रोडक्शन और कुछ प्रोसेस को चेंज किया जाता है कभी कभी जैसे इधर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स सॉरी पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देयर मैनेजमेंट कैन हैव मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट में तीन धारण की ऑब्जेक्टिव्स होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स
और देखिए ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में और बहुत सारे भाग आते हैं। जी सर, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? देखिए, मैनेजमेंट शुड कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंपनी स्टॉक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट। सो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की मतलब यही है कि मैनेजमेंट ने कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंपनी। कुछ भी कंपनी हो जाए, सभी कंपनी में क्या होता है, स्टॉक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैनेजमेंट ने कंसीडर करके स्टॉक होल्डर्स एम्प्लॉइज और क्या है कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मतलब उनको कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को, जो प्रोसेस में जाने के बाद उन लोगों ने इंटरेस्ट होगा कंपनी की जोड़ने के लिए, वही काम करता है मैनेजमेंट ने। तो देयर आर जनरली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एनी कंपनी। तो सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर और कितना भाग होता है, सर्वाइवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स टू जेनरेट इनफ रिवेन्यू टू कवर इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट। सर्वाइवल के अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट ही होता है। और देखिए प्रॉफिट ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स की है, जो प्रॉफिट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स एट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग अनप्रिसेंटेड कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ रनिंग ए बिजनेस। एक रनिंग बिजनेस में प्रॉफिट किस तरीके से किया जाता है, मतलब वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जितना कस्टमर जितना एम्प्लॉइज और जितना कंपनी भी है सबका वो प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब क्या होता है वो प्रॉफिट के अंदर जो एम्प्लॉइज है उनकी मन स्ट्रॉन्ग होता है और जो कस्टमर है कस्टमर को कुछ फायदे होते हैं, इस टाइप की काम करते हैं। और ग्रोथ, यू कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम वर्कफोर्स एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या होता है कि वर्कफोर्स, मतलब वर्कफोर्स की जरूरत है, वही मैनेजमेंट सेक्टर में होता है, मैनेजमेंट ने और मैनेजमेंट कर लेते हैं। और क्या है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के बिना एक मैनेजमेंट और एक कंपनी नहीं चलता। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट की सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखिए, टू एन एक्सटेंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी थ्रू देयर वर्क। तो देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये है कि एक बिजनेस के थ्रू जब सामाजिक माध्यम में जो गांव या शहर की जो कुछ भी आदमी को कुछ फायदा हो जाए वही सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। और है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, द मैनेजमेंट टाइपिकली डिसाइड्स द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सैलरीज पार्क्स एंड सोशल इंटेंसिव फॉर देयर एम्प्लॉइज। तो इधर देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये होता है कि इंसेंटिव सैलरीज पार्क्स एंड सोशल इंटेंसिव फॉर देयर एम्प्लॉयर, मतलब एक कंपनी के अंदर जितना एम्प्लॉयर होता है जितना एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब सबका और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होता है कि इंसेंटिव्स की एक फाइनेंशियली इंसेंटिव्स मिलने के लिए काम करता है मैनेजमेंट में, क्योंकि वो जब एक इंसेंटिव एक एम्प्लॉइज को मिल जाएगा वो एम्प्लॉइज काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होता है वो मैनेजमेंट ने करते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, सम रीजन्स मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, मैनेजमेंट की बहुत सारे रीजन्स है इम्पोर्टेंस की, इधर हेल्प इन अचीविंग ग्रुप्स गोल्स। देखिए, मैनेजमेंट की
इंपॉर्टेंस ए है कि हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मतलब एक ग्रुपिंग के इफेक्टिव मैनेजमेंट गिव्स ए कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड गाइड्स देम टुवर्ड्स अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक ग्रुप की जरूरत होता है, जिधर क्या होता है सभी मिलके कुछ काम किया जाए तो कुछ फायदा मिल जाता है। देखिए इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रुप की जरिए चलाना चाहिए, वो काम भी मैनेजमेंट में करता है। इंक्रीज इफिशियंसी, व्हाट इज इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन ऑल शेपर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। देखिए इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को वर्क प्रोडक्टिविटी, और देखिए प्रोडक्ट कितना कॉस्टली होता है और कितना नहीं होता, मतलब एक प्रोडक्ट कंपनी ने इतना जितना सके प्रोडक्ट की कॉस्ट काम कर कम करने का काम ही मैनेजमेंट ने करते हैं। मतलब आप एक प्रोडक्ट बिकने के लिए जाओगे तो प्रोडक्ट का दाम कम हो जाएगा तो आदमी ने खरीदेगा, वो काम भी मैनेजमेंट ने करता है। क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इट पर्सनल इन अडॉप्टिंग टू चेंज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव इट्स। मतलब आप ऐसा एक मैनेजमेंट को बनाइए, ऐसा एक मैनेजमेंट के जरिए ऐसा एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है मेंटेन के जरिए और कॉम्पिटिशन चलता है, मतलब कॉम्पिटिशन के जरिए और कंपनी चलता है। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट फस्टर्स टीम स्पिरिट कॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एज ए ग्रुप हुज हेल्प इज टास्क मेंबर अचीव देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ग्रुपिंग कर सकते हैं और मेंबर को बढ़ा सकते हैं। इसके मतलब एक कंपनी के अंदर जब ग्रुपिंग करोगे, मतलब काम के लिए एक ग्रुपिंग करोगे तो इसकी बात वो सुनेगा, उसकी बात वो सुनेगा, तो दूसरे की दूसरों का हेल्प मिलेगा, तो इसके अंदर ही हो जाएगा, काम बढ़ते जाएगा। और है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो देखिए मैनेजमेंट रूल्स कम इन द थ्री लेवल, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, यही एक क्वेश्चन हो सकता है। सो देखिए इधर थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिधर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये थ्री टाइप्स का मैनेजमेंट होता है। जैसे टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए टाइपिकली द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स इन ए कंपनी आर द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर वही होता है कि टॉप मैनेजमेंट किसने किया जाता है, किसने करता है, टॉप मैनेजमेंट वही करता है जो कंपनी का ओनर होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने एक कंपनी का चलाता है, उन लोगों ने टॉप मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। और है मिडिल मैनेजमेंट, व्हाट इज मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट वही होता है कि मोस्टली कंपोज्ड ऑफ डिवीजन हेड्स, द मिडिल मैनेजमेंट लिंक्स द ऑपरेशनल मैनेजमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट। मतलब मिडिल मैनेजमेंट वही होता है जो टॉप मैनेजमेंट जो होता है और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है वो दोनों के अंदर जो काम करते हैं। जैसे क्या होता है कि डिविजनल कंपोस्ट डिविजनल हेड्स, मतलब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे हेड डिविजनल ऑफिस होता है, जो ऑफिस की मैनेजमेंट जो करता है उसे मिडिल मैनेजमेंट कहता है। और है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, सुपरवाइजर, सेक्शन लीड्स और फोर पर्सन्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट वही होता है जो क्या होता है कि सुपरवाइजर, सेक्शन लीड्स, मतलब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होता है, जिधर टॉप मैनेजमेंट के अंदर कुछ होता है, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर कुछ होता है और कुछ वर्कर होता है,
और वर्कर के अंदर ही को सुपरवाइज किया जाता है, सुपरवाइजर जो है सुपरवाइजर में सुपरवाइज करते हैं, मतलब वर्क को फोर्स करते हैं, मतलब जल्दी करो या क्विकली, मतलब वो फोर्स जो नहीं करते है वही है कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उधर ऑपरेशनल मैनेजमेंट ही चलता है, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब फोर्स किया जाता है वर्कर को वही है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सो देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टाइपिकली फाइव फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, प्रायोरिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इम्प्रूव स्टाफिंग, प्रोवाइड डायरेक्शन, माइनॉरिटी क्वालिटी, मतलब ये है फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये पांच तरीका होता है, ये पांच फंक्शंस होता है। प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए टाइमलाइन ऑफ टास्क दैट नीड टू बी कंप्लीटेड टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल्स, मतलब प्लानिंग में क्या करता है, देखिए प्लानिंग में ये करता है कि इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए टाइमलाइन, मतलब प्लानिंग जब करता है प्लानिंग टाइमलाइन को चूज करता है, टाइमलाइन को मिला देता है, और टास्क दैट नीड टू बी कंप्लीट टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल्स, मतलब जब टाइम के अंदर काम करोगे और एक सिस्टमेटिकली काम करोगे तो बहुत सारे जल्दी हो जाएगा। और है प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन, प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू नर्थर ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनल फाइनेंशियली एंड फिजिकली रिसोर्स ऑफ द कंपनी। प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, जब मैनेजमेंट के अंदर जब सोशल ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंदर, मतलब सामाजिक माध्यम के जरिए जब आप लोग प्रचार करने के लिए जाओगे, मतलब आप जब एडवर्टाइज करने के लिए जाओगे, क्या होता है कंपनी को प्रायोरिटीज मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटीज मिलता है, उसके जरिए क्या मिलता है कि फाइनेंशियली में कुछ प्रायोरिटी मिलता है, इनकम होता है, लाभ मिलता है, और फिजिकली कुछ जो गुडविल मिलता है वही है प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और है इम्प्रूव स्टाफिंग, और मैनेजमेंट के अंदर स्टाफ को इम्प्रूव करते हैं, मतलब देखिए स्टाफिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग एंड बिल्डिंग ए टीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के अंदर इम्प्रूव होता है जब एम्प्लॉइज को जब कुछ लोग दिखा जाए, सो इंसेंटिव और कुछ ऐसा ऐसा वगैरह कुछ दिखा जाए, तो एक नहीं बहुत सारे एम्प्लॉइज इम्प्रूव हो जाते हैं काम करने के लिए, काम में फोर्स लगा देते हैं, सो गाइस यही होता है इम्प्रूव स्टाफिंग। और ये देखिए प्रोवाइड डायरेक्शन, मैनेजमेंट के अंदर प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, सुपरवाइजिंग मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग द स्टाफ मेंबर्स इन कंट्रोल टू द फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर। तो इधर क्या होता है सुपरवाइजिंग मोटिवेटिंग एंड गाइडेंस द स्टाफ मेंबर्स इन सेंटर टू द फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। इधर प्रोवाइड डायरेक्शन, मतलब मैनेजर ने क्या होता है सुपरवाइजर को मोटिवेशन देता है, और स्टाफ की जितना मेंबर होता है मेंबर को कंट्रोल करने के लिए सुपरवाइजर को सिखा देता है, सुपरवाइजर को डायरेक्शन देता है। और है माइनॉरिटी मॉनिटरिंग क्वालिटी, तो मॉनिटरिंग क्वालिटी ये होता है बिजनेस फंक्शन ऑन सम एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब मॉनिटरिंग क्वालिटी यही होता है कि जब ये मैनेजमेंट के अंदर ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है, जब प्लानिंग से स्टार्ट करके वो जितना ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन मैंने कहा ये सब एक तरीके के अंदर किया जाएगा, तो क्या मिलेगा मॉनिटरिंग क्वालिटी, मतलब कंपनी का लाभ होगा, कंपनी का जब लाभ होगा कंपनी ग्रोथ होगा, कंपनी का नाम होगा, और एम्प्लॉइज को क्या मिलेगा इंसेंटिव मिलेगा, यही होता है मॉनिटरिंग क्वालिटी। सो गाइस आज
मैनेजमेंट की क्लास में सिर्फ हॉट इज मैनेजमेंट की क्लास के ऊपर इतना ही है क्लास, और मिलेंगे नेक्स्ट कभी वीडियो में और लाएंगे दूसरा। नेक्स्ट वीडियो में आप मैं लाऊंगा कि क्लास 12 की जितना मैनेजमेंट के अंदर जितना क्वेश्चन पेपर है जितना क्लास होता है मैं आप लोगों को क्लास देने के लिए कोशिश करूंगा। सो सब स्वस्थ रहना, सबल रहना और देखते रहना ये वीडियो, और आप ये चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।